गुड इवनिंग गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहां पे काम काज कर सकती है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहां पे हो सकते हैं। तो एक नजर डालते हैं ऑप्शन चेन पे कि ऑप्शन चेन से क्या डेटा निकल कर आ रहा है। तो हमारे सामने ऑप्शन चेन का डेटा ओपन हो चुका है। तो ये 8 जून एक्सपायरी का ऑप्शन चेन, तो बात कर लेते हैं कॉल साइड में। 13,500 के लेवल पे फ्रेश 88,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। वही 18,600 के लेवल पे 87,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। वही बात करें पुट साइड में, 13,500 के लेवल पे 74,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है और 18,400 के लेवल पे 18,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो यहाँ पे पुट से ज्यादा कॉल में राइटिंग की गई है, तो ऑप्शन चेन से ये सेंटीमेंट निकल कर आ रहा है मार्केट साइडवेज टू बेरिश हो सकता है। वही बात करें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,600 का लेवल करेगा और मेजर सपोर्ट का काम 18,500 का है और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर अगला जो सपोर्ट रहेगा 18,400 का लेवल रहेगा। तो चलते हैं चार्ट पे। तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, तो बात कर लेते हैं निफ्टी आज कहाँ पे काम काज किया। तो निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ 18,580 के लेवल के आसपास, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, फिर 18,520 के लेवल से सपोर्ट लेने बाद निफ्टी में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। फिर निफ्टी सेकेंड हाफ तक यहाँ पे एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा और जैसे ही इवनिंग स्टार बनाया उसके बाद निफ्टी में गिरावट देखने को मिला 100 पॉइंट तक के। तो बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहाँ पे काम काज कर सकती है। तो निफ्टी अभी एक दो दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड करता है और साइडवेज होने के बाद जिस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तब जाके मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि कल मार्केट भी एक साइडवेज में रहे, उसके बाद सेकेंड हाफ के बाद कोई एक रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे, उसके बाद ही निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,600 का करेगा और मेजर सपोर्ट का जो काम करेगा 18,400 का। तो बात करते हैं कल निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और अपसाइड में मूव करता है 18,520 के लेवल को ब्रेकआउट करता है विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ में, तब मैं डे लो का छोटा सा एसएल लगाकर 18,600 के लेवल तक के लिए बाई की पोजीशन में बैठूंगा। अगर वही बात करते हैं अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है उसके बाद डाउन साइड में मूव करता है और 18,460 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल या बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ में, तब मैं 18,400 के लेवल तक के लिए सेल की पोजीशन बनाऊंगा डे हाई का एसएल लगाकर। अगर वही बात कर लेते हैं निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 18,440 के लेवल के आसपास, तब मैं यहाँ पे वेट इन वॉच करूंगा जब तक मुझे कोई अच्छा सा पैटर्न नहीं मिल जाता या फिर एक कंसोलिडेट होने के बाद अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेकआउट नहीं कर देता। अगर बात कर लेते हैं निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 18,540 के आसपास, तब मैं यहाँ पे वेट करूंगा वापस से 18,500 के लेवल तक के आने का और इसके बाद यहाँ से कंसोलिडेट होकर अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तब मैं बाय या सेल की पोजीशन बनाकर चलूंगा। अभी मेरे हिसाब से मार्केट कुछ दिन और साइडवेज रहेगा। तो ये रहा मेरा निफ्टी पे व्यू, चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी आज कहाँ पे काम काज किया। तो बैंक निफ्टी आज यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद डाउन साइड में गिरावट देखने को मिली, फिर 44,000 के लेवल से एक बाउंस देखने को मिला और बाउंस लेने के बाद बैंक निफ्टी पूरा डे आज रेंज बाउंड में ट्रेड करता रहा। फिर जैसे ही 44,150 के लेवल पे शूटिंग स्टार बनाने के बाद बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, यहाँ से बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पे काम काज कर सकती है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है और अप साइड में मूव करता है तो 43,850 के लेवल को ब्रेकआउट करता है विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ में, तब मैं यहाँ पे डे लो का छोटा सा एसएल लगाकर 44,100 के लेवल तक के लिए बाई की पोजीशन बनाकर चलूंगा। अगर वही बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड में मूव करता है और 43,700 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तब मैं यहाँ पे डे हाई का छोटा सा एसएल लगाकर 43,400 के लेवल तक के लिए सेल की पोजीशन में बैठूंगा। अगर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 43,900 के आसपास, तब मैं यहाँ पे वेट करूंगा और अपसाइड में मूव करता है 44,000 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तब मैं यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए बाई की पोजीशन बनाऊंगा। अगर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड में गैप डाउन ओपन होता है 43,600 के लेवल के आसपास, तब मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करके चलूंगा। तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।